केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब बिखरने लगा है। विपक्षी नेताओं के एकजुटता का संकल्प अब बिखर गया है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चारों तरफ सर्वेक्षण शुरू हो गया है, जनता भी अपना मिजाज बताने लगी है। तो वहीं इस बीच नरेंद्र मोदी के कामकाज, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, ये जनता अपनी राय दे रही है। एक सर्वे के मुताबिक 543 सीटों को कवर किया गया था और सैंपल साइज किया गया 1,49,092 लोगों को। डेढ़ महीने तक चले इस सर्वे में 1.5 लाख लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा लगा। इस पर सर्वे में शामिल 41.8% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा और 18.7% लोगों ने अच्छा और 11.7% लोगों ने औसत और 13.1% लोगों ने खराब, वहीं 10.5% लोगों ने बहुत खराब बताया। इसका मतलब ये है कि मोदी की एक तरफा लहर जो दिख रही है वो एक तरफा लहर नहीं है, कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो मोदी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन आखिर क्यों। इस सर्वे में शामिल लोगों से एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो 20% लोगों ने COVID-19 प्रबंधन को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इसके बाद 17% लोगों ने राम मंदिर निर्माण और 14% लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, 11% लोगों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को और सिर्फ 5% लोगों ने ही विकास को एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं बात विपक्षी नेतृत्व की करें तो इस दौरान लोगों से ये भी पूछा गया कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही नेता किसे मानते हैं। इसके जवाब में 21.3% लोगों ने राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने के लिए सबसे सही नेता बताया। इसके बाद 17.4% लोगों ने अरविंद केजरीवाल और 16.5% लोगों ने ममता बनर्जी और 6.4% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही 4.2% लोगों ने अखिलेश यादव को विपक्ष के गठबंधन का सबसे सही नेता बताया। इसी तरह से विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी लोगों की पहली पसंद है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्षी गठबंधन को पेश करना चाहिए। इसके बाद केजरीवाल दूसरी और ममता बनर्जी तीसरी पसंद है। लेकिन ये एकमात्र सर्वे था। क्या राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर के नेता है? क्या राहुल गांधी वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी लोगों के दिलों में वो जगह बना पा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। नमस्कार।